अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की उपस्थिति में गुरुवार को गांधी सभागार में अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों, संत महात्माओं के साथ महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य, सुरक्षित आयोजित किए जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए जाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों, संत महात्माओं ने अपने अपने सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए। राज्य में जो नाले गिर रहे हैं वो सब ट्रीटमेंट होकर के बेहतर थोड़ा पानी साफ करके तभी डाला जाए, क्योंकि ऐसे ही प्रदूषण नहीं फैलाना है। कुंभ मेले में पॉलिथीन मुक्त हो अच्छे बेहतर ढंग से, और श्रद्धालुओं के लिए जैसे पिछली बार पार्किंग काफ़ी दूर थी तो कई कई किलोमीटरों से आना पड़ता था तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो अब की बात थोड़ा उसको अंदर देख लिया। जगह ज़्यादा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जैसे कि हाँ अखाड़ों ने अपनी डिमांड रखी है कि भाई आगे आगे जैसे समय बढ़ रहा है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। पूर्ण कुंभ मेला है, इसमें अन्य जैसे अर्ध कुंभ से ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु भी आएंगे और सब आते हैं, तो जमीन अगर थोड़ा 20-25%। बैठक में कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने महाकुंभ के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों के बारे में पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से बताया। उन्होंने महाकुंभ के मद्देनजर की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने पार्किंग स्थलों पर बिजली, पानी, प्रकाश, कैमरे सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में आने वाले पूज्य संत महात्माओं एवं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। सभी अखाड़ों के सम्मानित प्रतिनिधियों से आज कुंभ के आयोजन के संबंध में आज चर्चा हुई और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी और उनकी कुछ जिज्ञासाएं क्षेत्रफल के विषय में, किस प्रकार आयोजन होगा, किस प्रकार जमीन बटेगी और सुविधाएं किस प्रकार मिलेंगी उसके बारे में, और कैसे सभी आम श्रद्धालुओं के लिए मेला जो है एक अच्छा अनुभव हो, उसके बारे में अपनी बातें रखी, अपना हमारा सबका मार्गदर्शन करा। और उन्होंने ये भी चाहा कि ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म बन जाए, एक ऐसी प्रणाली बन जाए जिससे हम सतत उनसे संवाद बनाए रखें, और उस बात को संज्ञान में लेते हुए हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया है। अपर मेला अधिकारी स्तर के अधिकारी उनसे सतत संवाद में रहेंगे और हम भी उनसे सतत संवाद में रहेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जितने श्रद्धालु यहाँ पे आए, जितने संत समाज के लोग आएँ, उनके लिए बहुत ही अच्छा मेला हो जिसको वो अच्छे से याद रखें, अच्छी यादें यहाँ से संजो के लेके। बैठक में अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा महाकुंभ को निर्विघ्न सकुशल आयोजित किए जाने के संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा महाकुंभ के दृष्टिगत ज्यादा संख्या में संत महात्माओं के आगमन को देखते हुए अखाड़ों की जमीन में वृद्धि किए जाने, प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ साथ लोगों की जानकारी के लिए साइनेज लगाए जाने, हाथरस की घटना के दृष्टिगत अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था एवं सावधानी बरतने, विगत कुंभ में दी गई सुविधाओं में वृद्धि किए जाने, प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ महाकुंभ के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने, साफ सफाई तथा निर्माणाधीन कार्यों को ससमय पूर्ण किए जाने आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। कुंभ मेलाधिकारी ने कहा कि मेला क्षेत्र में संस्थाओं को नियमानुसार भूमि आवंटन एवं सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। सभी कार्यदायी संस्थाएं समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ सभी कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों द्वारा जो सुझाव मार्गदर्शन दिए गए हैं उनको सूचीबद्ध करते हुए सभी कार्यों को समय से पूर्ण करा लिया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हम सभी का प्रयास है कि सुगम, सुरक्षित, भव्य एवं दिव्य महाकुंभ के आयोजन के साथ साथ मेले में आने वाले संत महात्माओं, श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी व सेफ्टी की नई तकनीकी विशेषताओं का प्रयोग करते हुए भीड़ प्रबंधन एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ डिजिटल कुंभ की संकल्पना को साकार किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि महाकुंभ मेला को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वे अक्टूबर माह तक पूर्ण करा लिए जाएंगे। अभी दो शिफ्ट में कार्य चल रहा है, यदि आवश्यकता होगी तो तीन शिफ्ट में भी कार्य कराते हुए कार्य को गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा।
पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने कहा कि आप सभी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सुझावों का अनुपालन करते हुए विश्व के सबसे बड़े आयोजन को सकुशल एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए मेले को सुगम रूप में आयोजित किया जाएगा। अंत में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों, संत महात्माओं को आश्वस्त करते हुए कहा गया कि आप सभी के द्वारा जो सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए गए हैं, उसका अनुपालन करते हुए महाकुंभ को निर्विघ्न, सकुशल, सुरक्षित, स्वच्छ, दिव्य एवं भव्य रूप से आयोजित कराया जाएगा। इस अवसर पर आईजी प्रेम कुमार गौतम, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एन कोलांची, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, अपर मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद एवं विवेक चतुर्वेदी सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।